साउथ इंडियन हीरो पकड़ के दिखाओ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरु गोविंद ब्लॉग चैनल। पिछले ब्लॉग में आपने देखा जिस गार्डन में हम आए थे वहाँ पे हरियाली ही हरियाली थी। अब देखिए यहाँ पे इन बच्चों की बॉल गुम हो गई है, क्योंकि उस वीडियो में आपने देखा मुझे एक बॉल मिली थी जो बच्चे खेल रहे थे, उस बॉल को मैंने किक मारा और वो बॉल सीधा आकर के यहाँ पे घुस गई। मिल गया। क्या नाम है बेटे? ओम साई। मुझे मराठी का है तुम्हें? नहीं। कुडला? उड़ीसा। ओ वाह, आपका नाम क्या है? हेलो। चलो हेलो बोलो। तो गाइज, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हमने क्रिकेट खेला, गुरु की मम्मी ने बैटिंग की, कुछ शॉट्स लगाए और इन बच्चों ने बॉलिंग किया। देखिए, गुरु की मम्मी के लिए ये बैट बहुत ही छोटा था, तो फिर उन्होंने बड़े बैट का यूज़ किया और बड़े बैट का यूज़ करने के बाद में एक बड़ा सा लॉन्ग शॉट मारा। वाओ। गुरु की मम्मी के बाद हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा ट्राई कर ले, बहुत दिन हो गया क्रिकेट खेले हुए। फिर हमने बैट अपने हाथ में लिया, गुरु की मम्मी ने बॉलिंग किया और हमने एक शॉट जड़ दिया। उसके बाद बारी आई हमारे गोविंद बाबा की। गोविंद बाबा को आपने बैटिंग करते हुए पहली बार देखा, देखिए क्या शॉट मारा है उन्होंने, वाओ। वो बच्चा भी खुश हो गया। गाइस, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली क्रिकेट की दीवानी है। वो बात अलग है कि हमारे खानदान में कोई क्रिकेट खेलता नहीं है और हमारे पुरुषों ने भी कभी बैट को हाथ तक नहीं लगाया। धीरे से मारना। और अब बारी आई हमारे गुरु बाबा की। कैच कैच आउट। गुरु आउट हो गया। तो क्रिकेट खेलने के बाद गुरु की मम्मी लाई एक फुटबॉल और फुटबॉल खेलने में प्लेयर शामिल हो गए वो भाई साहब जिनके ये दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये थे उड़ीसा से। बच्चों के साथ हमारी तरह गार्डन घूमने के लिए आए थे ये भी। गाइस, अब जहाँ भी जाते हैं हमें प्यारे प्यारे बच्चे मिल जाते हैं। इन बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेल करके सच में बहुत मज़ा आया। हमें फुटबॉल खेलता देखकर गुरु की मम्मी को रहा नहीं गया और गुरु की मम्मी ने सोचा चलो हम भी दो चार किक मार लेते हैं। तो गुरु की मम्मी को क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना मेरे साथ ही बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हम दोनों कॉलेज टाइम से ही क्रिकेट और फुटबॉल खेलते चले आ रहे हैं। अब वो बात अलग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने न तो हमें फुटबॉल टीम में जगह दी और न ही क्रिकेट टीम में। हम दोनों क्रिकेट और फुटबॉल के इतने शौकीन थे कि पढ़ाई छोड़ करके हम दोनों फुटबॉल और क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। हमारे मम्मी पापा हमारी फुटबॉल और क्रिकेट खेलने की आदत से इतने परेशान हो गए कि इन दोनों ने मिलकर के हमारी शादी करा दी कि तुम जिंदगी भर फुटबॉल और क्रिकेट खेलते रहो और क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम बनाते रहो। लेकिन हम दोनों ने मिलकर के न तो क्रिकेट टीम बनाई और न ही फुटबॉल टीम बनाई। हमने क्रिकेट का एक कैप्टन बना दिया और एक फुटबॉल का कैप्टन बना दिया। फुटबॉल के कैप्टन है हमारे गुरु और क्रिकेट के कैप्टन है हमारे गोविंद। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के बाद हम चले गार्डन की ओर अंदर, जहां पे बहुत अच्छा अच्छा व्यूज था। रास्ते में हमने देखा एक छोटा सा ब्रिज। उस ब्रिज की खूबसूरती को देख करके गुरु की मम्मी ने कहा जल्दी आओ, हम यहाँ पर अपना शूट कर सकते हैं, एक बढ़िया सा एल्बम और एक दो चार रील। हालांकि उस ब्रिज पर पब्लिक बहुत सारी थी जो हमारी शूट में डिस्टर्ब कर सकती थी, इसलिए हमने तब तक वेट किया जब तक ये पब्लिक यहाँ से चली नहीं जाती। पब्लिक के जाते ही हमने शूट स्टार्ट कर दिया और फर्स्ट शॉट लिया गुरु की मम्मी का। ये देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज दिख रहा है। हाँ रुक जाओ, जल्दी आओ। हाँ, रील शूट करने के बाद में हम थोड़ा सा अंदर और गए जहाँ हमें दिखाई पड़ा एक बहुत ही बड़ा फाउंटेन जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे। उस गुरु की मम्मी ने मुझे आवाज़ देकर के बुलाया कि जल्दी आओ। जब फाउंटेन के पास हम पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे अंदर नहा रहे हैं कपड़े उतार उतार के और उनके मम्मी पापा फाउंटेन के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे कहीं गिर ना जाए। मुझे तो इस बात का बड़ा ही ताज्जुब हुआ
कि गुरु गोविंद इतने फाउंटेन के पास जाने के बावजूद भी इन लोगों ने जीत नहीं की कि मुझे फाउंटेन में नहाना है, पप्पा मुझे फाउंटेन में नहाना है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चे नहा रहे हैं और इन बच्चों को देख करके हमारे बच्चे एकदम सीधे चुपचाप खड़े हैं, ये नहाने की जिद नहीं कर रहे हैं। वजह पता है क्या है आप लोगों? इन लोगों की जिद ना करने की वजह ये थी कि इनके कपड़े गीले हो जाते और ये अलग से कपड़े कोई लेकर के आए नहीं थे। बाकी सारे बच्चे हमेशा यहाँ आते रहते होंगे और उनके मम्मी पापा अलग से कपड़े लेकर के आते हुए ताकि एक कपड़े वो पहन करके नहा ले, फिर वहीं चेंज कर ले और फिर अपने अपने घर चले जाए। अगर ये दोनों नहाने जाते और गीले हो जाते तो फिर घर जाने में दिक्कत हो जाती। यही वजह था कि इन बच्चों को चुपचाप से इन नहाते हुए बच्चों को देखते रहे। तो गाइस देखा आपने, गुरु की मम्मी इन दोनों को सामने से पूछ रही है कि आप लोगों को नहाने जाना है इन बच्चों के साथ में, तो इन दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है जाने के लिए। वैसे तो बच्चों को पानी में बहुत मज़ा आता है, पानी में भीगना, पानी के साथ खेलना, लेकिन आज का दिन तो कुछ अलग ही स्पेशल हो गया। हम लोगों को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यहाँ पे शावर के पास जा कर के गुरु और गोविंद चुपचाप बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे इन बच्चों को। चलो जो होता है अच्छा ही होता है, शायद इनके कपड़े गीले होने से बच जाएं। शावर वाली जगह से निकल करके हम और थोड़ा अंदर गए जहाँ पे हमने देखा अभी बहुत से बोर्ड्स लगे हैं बर्ड्स के। गोविंद तो इस गार्डन में आकर के सभी बर्ड्स के स्टैचूज को देख करके एक ही बात पूछता रहा कि पप्पा ये बर्ड एक ही जगह क्यों खड़े हैं, उड़ क्यों नहीं रहे? अब इस बच्चे को हम क्या बताएं कि बच्चे ये सभी जो भी स्टैचू डेमो बनाए गए हैं ये पब्लिक को ये शो करने के लिए बनाए गए हैं कि पब्लिक इन बर्ड्स के बारे में जाने, इनकी खासियत के बारे में जाने। अब इस छोटे से बच्चे को क्या पता कि ये क्यों लगाए गए? ये तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि ये बर्ड्स उड़ते क्यों नहीं, अपनी जगह से हिलते क्यों नहीं। अगर ये उड़ते तो मैं इन्हें पकड़ लेता और पकड़ करके अपने घर ले करके जाता था। ये बहुत सारे सवाल थे गोविंद के। गुरु को तो थोड़ा समझदार हो गया है लेकिन बहुत सारे सवाल गोविंद के थे। तो दोस्तों इस बर्ड गार्डन में आकर के हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत मज़ा आया। साउथ इंडियन हीरो हमने रील बनाया गाइस। हम लोगों ने मिल करके क्या कहूँ मैं प्यार तुमसे। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं दी एंड। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड टाटा।